हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूफटॉप गार्डन। गर्मी का सीज़न शुरू होने वाले है और गर्मी के सीज़न शुरू होने से पहले कुछ काम अभी करना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हूं, जैसे कि प्रूनिंग, फर्टिलाइज़र और साफ़ सफाई रखना अपने गार्डन को। तो जैसे कि आज मैं मेरे गार्डन को एकदम साफ करके पौधों को थोड़ा एक दूसरे के करीब लेकर आया हूं, क्योंकि गर्मी के मौसम में थोड़ा अगर प्लांट्स कलोनी की तरह रहेगा तो प्लांट्स का ग्रोथ भी अच्छा होता रहेगा इस गर्मी में, क्योंकि छत के ऊपर बहुत तेज़ गर्मी होने के कारण पौधा ख़राब हो जाते हैं और फुल सनलाइट पे होने के कारण पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वाटरिंग दिन में दो बार करना पड़ता है और मैं हालांकि छत के ऊपर प्लांट्स पे एक बार ही वाटरिंग करता हूँ, तो इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करने की बहुत ज़रूरी है। काम मैं आज कर चुका हूँ, एकदम साफ सफाई भी कर दिया हूँ और कटिंग मैं कल ही ग्रो किया था। जैसे कि मेरे यहाँ पर कटिंग ट्रे के अंदर, और आज मैं थोड़ी सी साफ सफाई कर चुका हूँ और साफ सफाई करने के बाद तो कुछ प्लांट को मैं प्रूनिंग नहीं किया हूँ, जैसे कि मेरे हिबिस्कस के कुछ वैरायटी को मेरे प्लांट्स पे फ्लावरिंग हो रहा है। तो पहले मेरे प्लांट्स यहाँ तक होता था, तो अभी देखिए थोड़ा सा एकदम आगे की साइड पे मैं कर चुका हूँ सभी प्लांट को, और मेरे जो लेमन के प्लांट है उसको इस साइड पे शिफ्ट किया हूँ। मेरे प्लांट पे बहुत सारे फ्लावरिंग शुरू हो चुका है, इसे मैं कटिंग से ग्रो किया था, बहुत सारे फ्लावर्स आना शुरू हो चुका है और ये एक बस्ते के अंदर लगा हुआ है। लास्ट ईयर भी मुझे इसमें बहुत सारे लेमन मतलब कागजी वैरायटी जो है वो मिला था, और मेरे पपाया प्लांट पे जो पपाया लगा था वो देखिए धीरे धीरे इसके साइज भी इंक्रीज हो रहे हैं और भी कई सारे फ्लावरिंग हो रहा है। आने वाले समय में और भी मुझे पपाया मिलने वाला है, इधर भी एक आध लगना शुरू हुआ है। और यहाँ पर मेरे टमाटर के प्लांट पे जो कैरी के अंदर लगा हुआ था, देखिए कितने सारे टमाटर लगे हैं गुच्छों में, हालांकि ये तो अभी भी पका नहीं है, कुछ दिनों के अंदर ये भी पक जाएंगे। और बीन्स, मटर जैसे प्लांट पे भी मुझे मिलना, बीन्स और मटर मिलना शुरू हो चुका है, हालांकि बहुत सारे बीन्स और मटर को मैं ऑलरेडी हार्वेस्ट कर चुका हूँ और अभी भी ये रेडी हो चुका है, इसे अभी मैं हार्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे बीन्स है और कुछ मेरे प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर भी लगा हुआ है। और मेरे दूसरे छत के ऊपर पौधे के ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर जो मेरे चीकू के प्लांट थे उसमें बहुत सारे चीकू लगना शुरू हुआ है, यहाँ पर है, वहाँ पर देख सकते हैं आप एक है, और इधर उधर और भी बहुत सारे यहाँ पर देखिए चीकू लगा हुआ है। और मैं कुछ मैरीगोल्ड के कटिंग को दोबारा जनवरी महीने में कटिंग किया था, यहाँ पर देखिए उस सब पौधे पे भी फ्लावरिंग आना शुरू हो चुका है। ये मेरे एकदम लास्ट में कटिंग किया हुआ प्लांट है, अभी भी मैं कुछ कटिंग को रखा हूँ मेरे कटिंग ट्रे के अंदर, अभी भी रिपोर्ट नहीं किया हूँ, और मैं उसे फरवरी के एंड पे या फिर मार्च पे पॉटिंग करूँगा और आने वाले गर्मी के मौसम में भी मुझे उन सब मैरीगोल्ड प्लांट पे फ्लावरिंग होंगे। हालांकि मैरीगोल्ड के जो कटिंग है वो सब देसी वैरायटी है, जो फूल यहाँ पर खिल रहे हैं यही वैरायटी को मैं कटिंग करके रखा हूँ, और इस साइड पे जो टमाटर के प्लांट थे वो भी बहुत सारे टमाटर्स बनना शुरू हुआ है, छोटे छोटे से टमाटर आ रहे हैं और बड़े बड़े से भी है इस प्लांट पे। और इधर जो प्लांट पे मेरे आलू और फूलगोभी के प्लांट्स था वहाँ पर मैं अभी वेजिटेबल्स को ग्रो किया हूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे भी ग्रो कर चुका हूँ। और कुछ वेजिटेबल्स तो मैं सीडलिंग ट्रे के अंदर रखा हूँ, सीडलिंग किया हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर भी किया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे गार्डन का लेटेस्ट अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।